अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ईशा वसीम इज़ हियर। आज का हमारा जो लेसन है वो है एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.6 का। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। सो चलिए अब टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 है। सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन रिपीट करेंगे। हमारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, हमने रिपीट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ देखे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में क्या किया है कि हमने सॉल्व करने के इक्वेशन क्या फाइंड करने के लिए एक्स और वाई की वैल्यू। अब यहाँ देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकती हैं, लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स और वाई की वैल्यू को अलग कर देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था 2+3 आया था, यहाँ पूरा जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक स्टेप समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये जेड प्लस इट इज़ एक्स प्लस वाई होटा लिखते जाना आप लोगों ने। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है वो है हम लोगों ने रैशनलाइज करना है। ठीक है, मैं पहले ही डाल लेती हूँ ये सारी चीज़ें। रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइज कैसे करते थे ये भी मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था। रैशनलाइज अभी तक इतने क्वेश्चन में आ चुके हैं कि आप लोग को उसका मेथड करने का अच्छे तरीके से समझ आ जाना चाहिए अभी तक। ठीक है, मैं इतनी डिटेल से यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही रैशनलाइज को, क्योंकि ये मैं आप लोग को बहुत दफ़ा करा चुकी हूँ, बहुत दफ़ा। मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखा रही हूँ, अगर आप लोगों ने पहले ठीक से समझा हुआ तो अब आप लोग को भी ठीक से समझ आ जाएगी। टू का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। माइनस माइनस प्लस 9। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू में सॉल्व करती हूँ। 8+12 आई होता प्लस 2 आई होता प्लस 3 आई होता स्क्वायर माइनस 1, तो 8+12 आई होता प्लस 2 आई होता माइनस 3 प्लस माइनस माइनस। अब लाइक टर्म्स को एक अच्छा आप लोग करके लिखें। ठीक है, उसके बाद जब है एक्स प्लस वाई, ये हम लोग एज इट इज लिखते रहेंगे। ये हमारे पास आंसर है। इस फॉर्म में तो आप लोग को कन्वर्ट करने आता है ना। अब देखिए ये हमारे पास ठीक कैसे आंसर है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 5/13 आ गई प्लस एज इट इज, वाई की वैल्यू हमारे पास 14/3 आ गई और आयोटा आ गया। आइए आप लोग को समझ, अभी हमारे पास क्या था, पार्ट नंबर 1 था। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करती हूँ। पार्ट नंबर 2 हमारे पास कैसे है, थ्री माइनस टू आयोटा और एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल टू टू एक्स
माइनस टू वाई आयोटा प्लस टू आयोटा माइनस वन। अब नेक्स्ट हम लोग स्टेप क्या करेंगे, क्वेश्चन रिपीट करेंगे, लेकिन यहाँ आप देखें यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ हम लोग ने मल्टीप्लाई कर लेना है क्योंकि यहाँ और भी बहुत सी वैल्यूज है, उसमें वहाँ एक ही वैल्यू थी तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी देखिए ये अंदर सारा से मल्टीप्लाई होता है, टू एक्स माइनस टू टू फोर फोर वाई आयोटा आ जाएगा यहाँ। सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो आप लोगों ने कर देनी है, माइनस प्लस माइनस थ्री वाई। आई होप कि आप लोग को समझ आ रही होगी, सिंपल सिंपल मल्टीप्लिकेशन में कर रही हूँ, यहाँ इसको सॉल्व कर रही हूँ, एटॉम स्क्वायर को सॉल्व कर रही हूँ और यहाँ सिंपल में एज इट इज़ वैल्यू उतार रही हूँ जो मैंने ऊपर आपस में सारों को मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। और यहाँ देखें यहाँ मैंने क्या किया, आप लोग को आई होप कि यहाँ समझ आ रही होगी मैंने क्या किया है, यहाँ भी पीछे से सारी वैल्यू एज इट इज़ वैल्यू उतार रही हूँ, ये इस चीज़ को मैं सॉल्व कर रही हूँ टू एक्स एटा, और यहाँ देखें माइनस माइनस प्लस तो वाई इज इक्वल टू टू एक्स। अब देखें टू एक्स के साथ आयोटा की वैल्यू तो नहीं हो सकती ना, तो इसलिए टू एक्स के साथ हम लोग वन करेंगे और आयोटा के साथ आयोटा की वैल्यू प्लस टू आयोटा माइनस फोर वाई आयोटा, ये हमने अरेंज कर लिया थोड़े से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ देखें अब कॉमन ले लेंगे अब हम लोग यहाँ, ताकि हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकें। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, थ्री एक्स, अच्छा ऐसे कॉमन लेंगे, यहाँ हमने अब क्या किया, सिंपल एक्स की जो वैल्यू थी उनको एक्स और वाई की वैल्यू को इकट्ठी करके लिख लिया, एक्स और वाई की वैल्यू को जब हमने इकट्ठी करके लिखा पीछे आयोटा की वैल्यू बच गई। अब हमने आयोटा को बाहर कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में आयोटा आ रहा, थ्री वाई माइनस टू एक्स हमने कॉमन ले लिया और थ्री वाई माइनस टू एक्स हमने ब्रैकेट में लिख दिया और बाहर आयोटा कॉमन ले लिया। इसी तरह यहाँ भी ऐसे करेंगे, टू एक्स माइनस वन हम लोग बाहर लिखेंगे और यहाँ भी हम लोग टू माइनस टू आयोटा को हटा के माइनस फोर वाई और बाय आयोटा कॉमन। यहाँ तक आप लोग आई हो के आप लोग को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को, रियल पार्ट कौन से है थ्री एक्स और प्लस टू वाई और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है ये पूरा, तो ये थ्री वाई माइनस टू एक्स कॉमन आयोटा, आयोटा कॉमन। यहाँ भी इसी तरह ये यहाँ प्लस का सा है, मैंने टू ए टू के साथ डाला जिसका कोई नहीं होता उसका प्लस का ही होता है, तो यहाँ भी ये क्या है रियल है और यहाँ क्या है इमेजिनरी है। अब ये और ये दोनों आपस में हो सकते हैं कंपेयर, और ये दो आपस में कंपेयर हो सकते हैं, तो इनको हमने कंपेयर करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को दोनों जगह कंपेयर करना है हम लोगों ने। अब थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन, इसको हमने कंपेयर कर लिया सबसे पहले रियल पार्ट को। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्स की वैल्यू इकट्ठा करके लिखेंगे, यहाँ देखिए टू एक्स एक्स वैल्यू है तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस,
यहाँ प्लस 2y हो रहा था, यहाँ जाके क्या आ जाएगा माइनस 2y, यहाँ पीछे क्या बचेगा 1x माइनस 1 माइनस 2y। अब यहाँ पीछे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2y। अब ये यहाँ ये जो यहाँ है ना, यहाँ हमारे ये x आंसर नहीं है, जैसे x के क्या है आप लोग के हमारी x की वैल्यू निकल आई है तो ये आंसर है नहीं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, x की वैल्यू नहीं निकली क्योंकि अभी हमारे पास ये y भी इसमें मौजूद है, ये y भी हमने ख़त्म करना है, तो इसको अभी हम लोग लीव कर देते हैं। अब इक्वेशन 2 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या बनेगी, इमेजिनरी पार्ट की, इमेजिनरी पार्ट ये है तो इनको अब हम कंपेयर करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, आयोटा आयोटा कैंसिल कर देंगे, ठीक है। पीछे क्या बचेगा 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 4y। अब इसी तरह y y की वैल्यू आप लोग इकट्ठे करके लिखे, यहाँ माइनस 4y था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस 4y, और यहाँ 2 था, यहाँ प्लस 2 माइनस 2x, यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस 2x, नो सॉरी आप लोग अच्छा अभी आप लोग ये कर लें तो 4 + 3 7 7y, अब यहाँ प्लस 2x है, यहाँ जाकर माइनस 2x हो जाएगा और इज इक्वल टू 2। आप बेशक इस माइनस 2x को यहाँ ना मूव करें, आप लोग वहीं रहने दें, मैंने गलती से मूव कर दी, लेकिन आप लोग ना करें क्योंकि आंसर इसी फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, आप पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 2 है, पुट इक्वेशन 2 मैं लिख ले रही हूँ, यहाँ कह रहे हैं कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में 1 को 2 में पुट करना है, 1 जो ये थी इसको 2 में पुट करना है, इसको x की जगह मतलब 7 में माइनस 2x इक्वल टू 2 था तो 7y माइनस 2 और x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर लेनी है। यहाँ तक आपको समझ आई, ताकि हम लोग कम से कम y की वैल्यू फाइंड कर सकें, उसके बाद हमारे पास जब y की वैल्यू फाइंड होगी हमारे पास x की हो जाएगी, वो कैसे मैं आप लोग को आगे बताऊँगी। 2x की जगह माइनस 1 माइनस 2y जो हमने फाइंड किया था इज इक्वल टू 2, अब यहाँ मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 × 4 4y। अब y y की वैल्यू अच्छे से करके लिखें और 2 है यहाँ की प्लस 2 है, यहाँ जाके माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ के आ जाएगा 0, यहाँ 7 + 4 किसके इक्वल होता है 11y, यहाँ y के साथ 11 मल्टीप्लाई होता है, यहाँ जाके क्या आ जाएगा डिवाइड 0/11। हमारे पास इस फॉर्म में आंसर आ सकता है, या फिर आप लोग इस फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है कि हमारे पास वाई ज़ीरो हमारे पास वाई की वैल्यू है। अब इसी तरह जब हमने वाई की वैल्यू फाइंड कर ली तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो y की वैल्यू हमने फाइंड की इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2y, x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2, y की क्या वैल्यू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 2 0 0 होते तो माइनस 0 लगाएं तो भी ठीक है, प्लस 0 लगाएं तो भी ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस पर आंसर आ जाएगा। ये अब रिजल्ट हम लोग क्या लिखेंगे, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू माइनस 1, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 है। आई होप कि आप लोग को ये भी समझ आ गई होगी। अब जल्दी से लास्ट पार्ट कर लेते हैं ताकि हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाए, और एक्सरसाइज 2.6 भी कल के फिर वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत बहुत मज़े का है। आई होप कि आप लोगों को मेरे साथ स्टडी करते हुए मज़ा आ रहा होगा। लेकिन उसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत है, तो आप लोग वो चैप्टर करने से पहले ही अपने कैलकुलेटर तैयार रखें। ये तो छोटी छोटी वैल्यूज थी जो कि हमारे कैलकुलेशन हैंड से भी हो सकती थी, लेकिन वो जो है वो छोटी वैल्यू नहीं है, वो हमारी हैंड से नहीं हो सकती।
अब यहाँ जो है हमारे पास, हम यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये आप लोग को फार्मूला याद करने पड़ेंगे, आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक फार्मूला आएगा चैप्टर, उसमें तो इससे भी ज़्यादा फार्मूलाज होंगे, वो ये आप लोग को याद करने होंगे। अच्छा, अब ए हमारे पास क्या था, ए था हमारे पास 3, बी था हमारे पास 4 आयोटा स्क्वायर, टू ए हमारे पास 3 और 4 आयोटा। यहाँ देखें 2 को अंदर सारे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x प्लस 2 बाय आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है, ये लिखे रह देंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, 2 3 6 और 4 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। 9 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 6 4 का 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। ये तो फार्मूला लिखा है ना मैंने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, 9 माइनस 16 माइनस 7 माइनस 2x। यहाँ भी हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले से पार्ट नंबर 2 में किया था, 24 और प्लस यहाँ हमारे पास 2y भी है, ठीक है, 2y और यहाँ आयोटा बाय कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों आयोटा की वैल्यू है, यहाँ x प्लस वाई आयोटा एज इट इज़। अब हम लोग क्या करेंगे, वही स्टेप करेंगे, लेकिन ये हमारे पास ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी पड़ेगी, जैसे पहले तो x की वैल्यू पूरी नहीं निकली थी, y आ रहा था, उसके बाद y की वैल्यू निकाली, उसके बाद फिर y की वैल्यू x में पुट करी, ऐसे नहीं था, ऐसे यहाँ नहीं करना, मतलब यहाँ सिंपल है। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, -7 -2x = x, ये कर लिया, और इसको इसके साथ 24 + 2y = y, ठीक है। यहाँ आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया, यहाँ -7, यहाँ -2x है, यहाँ जगह +2x, -7 + 2x 3x, यहाँ एक्स के साथ 3 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई होता है, यहाँ जाके -7/3 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर है, एक्स की वैल्यू निकल आई है। अब पीछे यहाँ क्या बच गया, 24 + 2y = y, यहाँ 12 + 2y था, यहाँ -2y जो हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -1y 24, यहाँ वाई क्या यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 24 - -1 = -24, ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई -24, ठीक है। अब रिजल्ट हम लोग क्या लिखेंगे, आई होप कि आप लोग को ये पार्ट भी समझ आ गया होगा, ये शॉर्ट सा था, ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 था। आई होप कि आप लोगों को सारे पार्ट समझ आ गए होंगे, मैंने आप लोगों को सारे पार्ट डिटेल में समझाए हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।